बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। आज मैं बनाऊंगी ग्रीन बीन्स की सब्ज़ी आलू। तो अभी मैं इसको कटिंग करने लगी, मैंने कहा चलो कटिंग करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं आज क्या बनाने लगी हूँ। तो इसकी कटिंग करके फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैं गार्लिक भी साथ लेके आई हूँ, यही अंदर सिटिंग रूम में बैठ के इसकी कटिंग करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसका सालन बनाऊंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैं 4 पैकेट लेके आई थी, 1, 2, 3 और 4। ये सैफ मेरे साथ बैठा, मेरी हेल्प कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अभी कटिंग करके भी मैं आपसे मिलती हूँ। देखें जी, मैंने ऑयल जो है ना पैन में डाल दिया है। अब सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी, जीरा थोड़ा सा हो जाए। तो ये मैंने लिए हैं स्पाइस, ये है चिली पाउडर एक टेबल स्पून, ये हाफ टी स्पून है गरम मसाला, सॉरी जीरा मसाला, इसको मैंने भून के कूट के रखा हुआ है। और ये गरम मसाला है हाफ टी स्पून, ये धनिया पाउडर है 1 टी स्पून और ये जिंजर पाउडर 1 टी स्पून और टमाटर 2 ग्रीन चिली जाएंगी। और ये मैंने जिंजर सॉरी गार्लिक एंड अनियन, ये इनको मैंने श्रेड करके रखा है। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड करती हूँ। नमक फिर मैं बाद में डालूँगी। अब इसको ब्राउन होने तक वेट करूँगी, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। देखें जी, अनियन हमारा हो गया है रेडी। अब इसके अंदर मैं ये टमाटर और ग्रीन चिली, ये मैंने पेस्ट बना के रखे थे, ये ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देती हूँ ताकि ये जल्दी गल जाए। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 5:30 हो रहे हैं। साथ मैंने मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से कपड़े पड़े हुए थे धोने के लिए। तो वैसे भी वीकेंड है तो बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है ना, तो साथ में कपड़े भी वॉश कर रही थी। और ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक डाल दिया, अगर ज़रूरत हुई तो और डालूँगी लेकिन मुझे लगता नहीं। देखिए माशाल्लाह मसाला कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब इसके अंदर ये जो स्पाइस मैंने आपको बताए थे ये सारे डाल दूँगी। मैंने चिली पाउडर जो है ना चेंज कर लिया, पहले मैं खाती थी कश्मीरी बसार, आई थिंक ये कुछ नाम था, तो अभी नहीं, पहले पता नहीं क्या नाम था उसका, ऊपर बसार लिखा हुआ था, लेकिन अभी कश्मीरी बसार खाती हूँ मैं। ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़े से डालती हूँ तो माशाल्लाह काफ़ी जो है ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब इसको मैं भून के फिर उसके बाद इसके अंदर मैं सब्ज़ी ऐड करती हूँ। साथ में अभी आटा गूंथ लूँ, मैंने मशीन भी लगाई है वो भी साथ कर लूँ। मिलते हैं थोड़ी देर तक। देखिए मसाला हमारा हो गया रेडी, माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर मैं वो जो सब्जी मैंने काट के रखी थी वो ऐड कर देती हूँ। ये फलियों को मैंने इतना इतना कट किया था। मुझे ये सब्जी हद से ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को नहीं पसंद, लेकिन आज मेरा मन किया बनाने को तो मैंने बना ली। देखते हैं बच्चे खाते कि नहीं खाते, नहीं खाएंगे तो फिर मैं कुछ ऑर्डर कर लूँगी उनके लिए। मेरे बच्चे वैसे खाने में बड़े अच्छे हैं, मतलब नफरत नहीं करते, लेकिन इस सब्ज़ी पे पता नहीं क्यों उन्होंने नफरत किया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको लो हीट पे पकाऊंगी। देखिए जी, अभी जो है ना थोड़ा सा पानी और सूख जाए तो उसके बाद फिर मैं इसकी बुनाई करूंगी, क्योंकि आलू तो जो है ना वो गल गए हैं। ये देखिए आलू कितने अच्छे से गल गए, फलियाँ हैं अभी, वो थोड़ा सा लेंगी टाइम, बट नेवर माइंड, मैं अभी करती हूँ।
इनको भी देखें जी, सब्जी जो है ना हमारी ऑलमोस्ट हो गई है रेडी। अब इसके अंदर मैं ये ग्रीन चिली ऐड करूँगी, ये वही ग्रीन चिली है जो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं लास्ट में डालती हूँ। तो ये कच्ची भी खा सकते हैं हम, मतलब कुछ किए बिना भी हम खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी आज की भी ये रेसिपी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।